अत्याचार चल रहे हैं, जो हमने सुना था कि बीजेपी की सरकार में बहुत कम होंगे, पर यहाँ इस बार बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जितनी भी हेल्पलाइन हम लोगों ने सुनी थी चालू होने वाली, उन पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और कॉल करने पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है उसमें। आजकल जो अत्याचार हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और हम लोग आजकल की सारी लड़कियां अनकंफर्टेबल फील करती हैं। और क्या कहते हैं, आजकल हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम घर से निकलेंगे तो घर से सेफ्टी से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम अपने शहर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी सारे कांड हो रहे हैं लेडीज़ों को लेकर ही हो रहे हैं। पहली बात तो जागरूक हम लोगों को भी होना चाहिए, सिर्फ सरकार या पुलिस इन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आजकल कहीं पर भी लूटपाट होती है और किसी भी लड़की से बदतमीजी होती है तो सबसे पहले इंसान वीडियो बनाने लगता है। अरे वीडियो बनाने से पहले आप उनके हेल्प करो, पुलिस को एक जना पुलिस को कांटेक्ट करो तो कोई कुछ जागरूकता हो पाएगी ना। इससे थोड़ी ना कि आपने सिर्फ सरकार को थोप दिया है किसी को बोल दी। हाँ ये है, इस सरकार में हम लोग को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं हुआ है। बेशक यूपी में महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं वो महिला विरोधी हैं और महिलाओं को अपने पैरों की जूती समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि महिलाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। और अभी आप हाल ही का ले लें, MP के एक मंत्री ने कहा कि बाहर से महिलाएँ बुलाने की क्या ज़रूरत है, यहीं की महिलाएँ टनाटन हैं। अरे महिलाओं को क्या सम्मान देना चाहिए, ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से पूछें कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है और लड़कियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है।